क्योंकि बैगन सब्जियों का राजा माना जाता है, उसके सर पे ताज होता है। और वो इसलिए उदाहरण दिया था कि सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सरकार के लोगों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों के आने के बाद, अभी चुनाव में वक्त है, यहाँ के सरकार अधिकारियों को भेजे और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पूरी तरीके से लागू किया जाए। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस क्या हुआ कि यहाँ पे ट्वीट करना पड़ा एक दूसरे को? नहीं, हम लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया। कांग्रेस का कहना कि आपका कोई आधार नहीं है, आपको कुछ समर्थन करना चाहिए था। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है, उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जमीन पर है कि नहीं है। अब मान लीजिए बबलू पटेल हैं, यहाँ कोई गांव नहीं छोड़ा जिसको ये पैदल से पदयात्रा कर करके लोगों से संपर्क न किया हो। तो ये एसेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़े तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। सर, बात करें निवासियों के, बात करें सीधी पे पेशाब कांड भी हुआ, लेकिन अभी मैंने यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे, क्यों नहीं रोक रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके? ये 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिल रही, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया, उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। सर, आपकी मांग है कि कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा ना हो, ये जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जनता से ये कहूंगा कि बीजेपी को बहुत मौका दिया दिल्ली में भी और प्रदेश में भी, जब इनके 30 साल का कार्यकाल देखेंगे, 10 साल दिल्ली का, 20 साल मध्य प्रदेश का, तो इनको मध्य प्रदेश से हटाइए। सर, आप कह रहे हैं अत्याचार या अन्याय हो रहा है, बीजेपी के लोग मंचों से कई बार ये कहते हैं कि जब भी किसी बेटी या महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम न सिर्फ कड़ी कार्रवाई करते हैं बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलता है। तो इनको बुलडोजर खूब चला है? नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाते क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है आपकी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है? आज जो भी सांसद है रमेश बुधरी, इन्होंने जो दानिश है, दानिश अली, इनको गालियां दी थी, उसके बाद 15 दिन का नोटिस दिया भाजपा ने और फिर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। भाजपा के लोगों की यही तरीका है, भाजपा के लोग उनका सम्मान करते हैं जो किसी भी समुदाय जाति के खिलाफ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले भी अगर किसी को अपमानित किया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका सम्मान किया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इकलौता सांसद नहीं जिसकी भाषा ऐसी है, अगर पुराना आप देखोगे बहुत ही बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और पूरी उम्र भर चुनाव न लड़ सकें ऐसी व्यवस्था हो। सर, मध्य प्रदेश पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी सीटें आने वाली, उम्मीद क्या जताई जा रही है? पिछले बार एक ही मिली थी आपको? एक ही मिली थी, कई जगह दूसरे नंबर पे थे। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी जगह जगह जीत चुकी है, हमारी पार्टी में रहे लोग, चुनाव लड़े लोग, दूसरे दलों में विधायक हैं, ऊंचे पदों पे बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का संगठन है। जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है, वो जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।